Hello dear learners, welcome back to our channel Learners Diary. In the previous video, we have discussed about the formulas of comparable company approach. In today's video, we are going to solve a question of that particular method. So, it is a question paper of winter 2013. So, we are going to solve that question. Question number 4B. Beside on comparable company approach. आपको क्वेश्चन पहले मेंशन कर दिया है व्हाट इज इट कंपेरेबल कंपनी अप्रोच फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एच लिमिटेड आपको कौन सी कंपनी की वैल्यू फाइंड करनी है एच लिमिटेड इट इज द मेन कंपनी ओके विच इज अ प्रोस्पेक्टिव टारगेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उसने कुछ टारगेट कंपनी सिलेक्ट की है इट मीन सिंपली इट इज कॉम्पिटिटर्स कुछ उन्होंने सिलेक्ट किए हैं जिनको वो टारगेट करना चाहता है तीन कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी है पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड क्या क्या डेटा दिया गया है एंटरप्राइज वैल्यू टू ई बी आई डी टी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 7.1 9.7 8.7 ठीक है एंटरप्राइज वैल्यू टू बुक वैल्यू 2.5 3.53 एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स वैल्यू 1.25 1.75 1.35 ओके तो जब हमने मेथड डिस्कस की थी तो वहाँ पे एक अजम्पशन था कि जो भी वैल्यूज होंगी जो भी टारगेट फॉर्म्स की वैल्यू होंगी इट शुड बी सिमिलर तो अगर आप देखेंगे ई बी आई टी डी ये सबका सिमिलर है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेम वे में बुक वैल्यू भी ऑलमोस्ट नियर है एंड सेल्स नाउ द करेंट सेल्स ऑफ एच लिमिटेड इज अ मेन कंपनी अमाउंटेड 250 करोड़ बुक वैल्यू ऑफ असेट इज 100 करोड़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज 40 करोड़ एच लिमिटेड की भी आपको वैल्यू दी गई है तो फटाफट हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं देन वी विल स्टार्ट ओके सो आर फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू एंड एवरेज रेशियो ठीक है इट इज आर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड एवरेज रेशियो हम क्या फाइन करेंगे एवरेज रेशियो क्वेश्चन में हमें दिया गया था एंटरप्राइज वैल्यू टू ई बी आई टी डी ए ठीक है तो एवरेज वैल्यू मैंने बताया था कैसे फाइन करना है पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड आर लिमिटेड की वैल्यू को टोटल करेंगे डिवाइड बाय 3 सो 7.1 प्लस 9.7 प्लस 8.7 इट इज 25.5 टोटल अब क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 3 तो एवरेज रेशियो कितना आएगा इट इज 8.5 ठीक है आप कैसे से कैलकुलेट कर लीजिएगा नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ बुक वैल्यू 2.5 प्लस 3.5 प्लस 3 इट इज 9 9 डिवाइडेड बाय 3 इट इज 3 नेक्स्ट इज फॉर सेल्स सेम वे में 1.25 प्लस 1.75 प्लस 1.32 इट इज 4.32 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू आएगी 1.44 इट इज़ अवर एवरेज रेशियो सेकेंड स्टेप हमने क्या सीखा था टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन एवरेज रेशियो ठीक है अब हमें क्या फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बिजनेस तो फटाफट पहले टेबल बना लेते हैं ओके नाउ वी विल कैलकुलेट सेकेंड स्टेप दैट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस सो टेबल्स रेडी है पर्टिकुलर एक्चुअल डेटा ऑफ एच लिमिटेड देन एवरेज रेशियो एंड इंडिकेटेड वैल्यू सो एक्चुअल डेटा आपको क्वेश्चन में दिया गया था इट इज़ योर एक्चुअल डेटा एच लिमिटेड के लिए सेल्स कितना है 250 करोड़ तो हियर इज सेल्स दैट इज 250 देन आपको दी गई है बुक वैल्यू ऑफ असेट इज 100 करोड़ सो बुक वैल्यू कितनी है असेट्स की दैट इज 100 एंड देन आपको क्वेश्चन में दिया गया था ई बी आई टी डी ए दैट इज 40 करोड़ ठीक है सारी चीज़ें हमें लिख लेनी है उसके बाद एवरेज रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था तो एवरेज रेशियो ई बी आई टी डी ए का कितना आया है 8.5 यहाँ पे लिखेंगे 8.5 बुक वैल्यू का आया था 3 यहाँ पे लिखेंगे 3 नाउ सेल्स के लिए एवरेज रेशियो कितना आया था 1.44 Now we have to calculate indicated value. तो simply मैंने क्या बताया था आपको actual data multiply average ratio. So 40 multiply 8.5 that will be 40 multiply 8.5 that is 340. 100 multiply 3 that is 300. And
250 multiply 1.44, that is 360. ठीक है, सबका हमें एक्चुअल डेटा इंडिकेटेड वैल्यू मिल चुकी है. नाउ वी विल मेक अ टोटल. सो 340 प्लस 300 प्लस 360, दैट इज 1000. वैल्यू कितनी आ रही है? टोटल वैल्यू 1000 आ रही है. अब हमारे पास तीन कंपनी थी, तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 3. 1000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 333.33. ओके, सो कंपनी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 333. नाउ वी हैव टू मेक अ कंक्लूजन. तो लिखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेबल कंपनी अप्रोच, द वैल्यू ऑफ बिजनेस, द वैल्यू ऑफ एच लिमिटेड. ठीक है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम क्या है? एच लिमिटेड इज रुपीज 333.33 करोड़. ओके, सो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू आएगी बिजनेस की, यू हैव टू राइट डाउन इंटरप्रिटेशन एज वेल. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. इन द अपकमिंग वीडियोज वी विल सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चन ऑफ कंपेरेबल कंपनी अप्रोच विच इज आस्क्ड इन GTU examination. So kindly watch the videos till the end, so it will help you to clear your all the doubts regarding these methods. So yeah, thank you so much everyone for giving your precious time. Thank you, thanks a lot.